एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी लेक्चर्स। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैच ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में। तो अगर आपको बैच ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि इस कोर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। एंड गाइस, बैच ऑफ फाइन आर्ट्स में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होती है, मतलब बहुत सारे ट्रेड्स होती हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट अपने पैशन के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है और ये 4 साल का कोर्स भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये 4 साल का कोर्स ही ऑफर किया जाता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होंगे जहाँ पे ये 3 साल का कोर्स है। सो गाइज, बैच ऑफ फाइन आर्ट्स ये सेमेस्टर पैटर्न को फॉलो करता है, तो 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। एंड बैच ऑफ फाइन आर्ट्स बेसिकली विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टडी को डील करती है। तो अगर हम विजुअल आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपकी पेंटिंग्स आती है, स्कल्पचर, लिटरेचर, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी एंड एनिमेशन, सो इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स होती हैं, बट मैंने कुछ डिस्कस किया एक बेसिक आइडिया के लिए। परफॉर्मेंस आर्ट्स की भी सब्जेक्ट्स होती है, लाइक इसमें आपका डांस होता है, थिएटर, म्यूजिक, ठीक है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। विजुअल आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं वो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम क्लास 12th पास आउट करना होगा। क्लास 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हो, कम से कम 50-60% होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के एक अच्छे और बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन लो, तो इसके लिए आपको कम से कम 50% होने चाहिए, ठीक है। और ये 50-60% हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, ठीक है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होंगे और है जो 45% पे भी एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको खुद चेक करना होगा, आप जिस भी एरिया में हो आप अपने आसपास कॉलेज में चेक कर सकते हो, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अगर आप जनरल हो, ठीक है, तो आपकी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 22 होगी, 22 ईयर्स। एंड अगर आप OBC, ST, SC कैटेगरी में आते हो तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड है बैच ऑफ फाइन आर्ट्स को करने के लिए। तो इसके लिए आपकी स्केचिंग एंड ड्राइंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप आर्टिस्टिक हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इवन प्रेजेंटेशन स्किल भी काफ़ी मैटर करती है इस कोर्स के लिए। तो ये सारे स्किल्स है आप में, तो इस कोर्स को ज़रूर कीजिए। एंड बैच ऑफ फाइन आर्ट्स आप पेंटिंग से कर सकते हो, अप्लाइड आर्ट से कर सकते हो, प्लास्टिक आर्ट, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, इसके अलावा आप एनिमेशन से कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन से आप बैच ऑफ फाइन आर्ट्स को कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सिनेमा और थिएटर से कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास, म्यूज़िक से कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी ट्रेड को ऑप्ट कर सकते हो जो भी आपके इंटरेस्ट को फॉलो करता हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या है बैच ऑफ फाइन आर्ट्स का। तो बेसिकली ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो कैटेगरी है वो है फाउंडेशन कोर्स और दूसरा है स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स आपका मेनली 1 ईयर का होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। बैच ऑफ फाइन आर्ट्स में ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि बेसिक सब्जेक्ट से आपको फेमिलियर कराया जाए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, ठीक है। जैसे आपका ड्राइंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, ठीक है, इसके अलावा कलर, क्ले मॉडलिंग, ठीक है, प्रिंटिंग, ज्योमेट्री, ये सब आपके प्रैक्टिकल में आ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल के जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे वो हमने आपको बता दिया। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में आपका हिस्ट्री, अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ठीक है, क्वालिफाइंग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिंदी और इंग्लिश में। तो ये कुछ बेसिक्स नॉलेज होती है जो कि आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है।
और ये जो फाउंडेशन कोर्स है 2 सेमेस्टर का, ये हर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के हर ट्रेड के साथ होता है। मतलब आप कोई भी ट्रेड चूज़ करते हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करो, ठीक है, हर स्पेशलाइजेशन के साथ ये फॉलो करेगा। बट ये फोटोग्राफी और एनिमेशन में नहीं होता। फोटोग्राफी और एनिमेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसके अलावा अगर कोई भी आप चूज़ करते हो तो उसमें आपको फाउंडेशन कोर्स पर पढ़ाया जाता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप रेगुलर मोड से कर सकते हो और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हो। अगर आप डिस्टेंस मोड से करते हो तो इसके लिए आप इग्नू में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इग्नू जो है ये आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर करती है। इसके अलावा आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफर करती है, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस मोड से स्टडी करना है तो आप इग्नू में अप्लाई कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करती है। तो अगर आपको फाइन आर्ट में सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि रेगुलर मोड से करो, क्योंकि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एक ये टोटली इवेंट टोटली ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको इसमें एग्जीबिशंस मिल जाती है, बहुत सारे एग्जीबिशंस करने को मिल जाता है, ठीक है। वर्कशॉप्स होती है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, जिससे अगर आप रेगुलर मोड से अगर इस कोर्स को करते हो तभी आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस या डिस्टेंस लर्निंग मोड से अगर आप करते हो इस कोर्स को तो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं होती, आपको वहाँ पर सिर्फ थ्योरी देना होता है, एंड अगर होती भी है तो बहुत कम होता है और बहुत कम स्टूडेंट उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इससे रेगुलर मोड से कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको इन केस आपको करना पड़ रहा है डिस्टेंस मोड से तो आप वो भी कर सकते हो। एडमिशन की बात करें तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो वो आप अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपका एडमिशन हो सकता है। फ़ी की बात करें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, तो ये बेसिकली ट्रेड पे डिपेंड करेगी, मतलब स्पेशलाइजेशन क्या है आपका उस पे डिपेंड करती है। तो फिर भी अगर मिनिमम अगर फ़ी की बात करें तो 10,000 मतलब 10,000 पर ईयर इस कोर्स के लिए लग सकता है, एंड मैक्सिमम आपका 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख के आसपास, अराउंड 1.5 लाख भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करती है कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, यानी कि कौन से यूनिवर्सिटी से किया है। सो अब हम बात करते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स ऑफर करती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका है कॉलेज ऑफ आर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, एंड इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, जेजी कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स मुंबई में है, ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में, मणिपाल यूनिवर्सिटी ये भी आपका जयपुर में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारे कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करती है। तो अब हम पहुँचते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी क्यूरियस होता है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसके आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसे आप प्रोसीड कर सकते हो, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन से हायर स्टडीज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो, ठीक है, मास्टर इन फाइन आर्ट्स कर सकते हो। इसके अलावा आप एमए कर सकते हो, एमए इन फाइन आर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जॉब की। तो जॉब के लिए एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो आपकी जो जॉब है जॉब प्रोफाइल डिपेंड करेगी आपके स्पेशलाइजेशन पे, ठीक है। और कुछ सेक्टर में आपको ये जो कोर्स है इस कोर्स की हाईली डिमांड है, ठीक है। उस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो सिनेमा में, ठीक है, टेलीविज़न, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर पास जो फाइन आर्ट्स की काफ़ी डिमांड है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 5 लाख्स हो सकती है, ठीक है, पर एनम, एंड ये आपकी फर्दर इंक्रीज भी होती है, जैसे आपकी स्किल्स इंक्रीज होगी, एनहांस होगी, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये टोटली आपके स्पेशलाइजेशन और आपके स्किल पे डिपेंड करेगी आपकी सैलरी, ठीक है। सो गाइस, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, और या फिर किसी और कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप किसी भी मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे करियर से रिलेटेड चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, साइंस आर्ट कॉमर्स किसी भी फील्ड से हो आप, इस चैनल पे हर फील्ड से रिलेटेड करियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो सब्सक्राइब करने के साथ उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।